देखो भाई, बहुत ज्यादा खुशखबरी के साथ मैं कह रहा हूँ, आप लोग अपना कस्टम यूआरएल को बनाओ और अपना यूट्यूब हैंडल का जो आपके पास मेल नहीं है वो ऑटोमेटिक आपके पास मेल आ जाए। देखो भाई लोग, आज की वीडियो पर मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ कि कैसे कस्टम यूआरएल कैसे बनाया जाता है। अभी आप लोग सोचते होंगे कि भाई कस्टम यूआरएल होता क्या है। सबसे पहले मैं आप लोग बताऊंगा कस्टम यूआरएल होता क्या है। देख सकते हैं, जैसे मैं अपने यूट्यूब चैनल के अबाउट सेशन पर जाता हूं, ध्यान से देखो, मैं अपने यूट्यूब चैनल के अबाउट सेशन पर जा रहा हूं, एक लिंक होगा www.youtube.com करके, ठीक है, एंड स्लैश करके मुकेश एमपी टैग होगा, इसी कहते हैं कस्टम यूआरएल। मैंने ऑलरेडी पहले से कस्टम यूआरएल को बना के रखा है, और यदि आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच कर लेते हो तो भाई लोग 2 से 3 मिनट पर आप लोग भी अपना कस्टम यूआरएल को बना लोगे। यदि आप अपने यूट्यूब चैनल के अबाउट सेशन पर जाओगे तो ध्यान दो भाई लोग, आप लोगों में लिखा होगा www.youtube.com एंड भाई लोग काफी अटपटा टाइप का लिखा होगा। और यदि आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हो तो भाई लोग आप अपना कस्टम यूआरएल को बना लोगे। एंड भाई लोग, यदि आप कस्टम यूआरएल को बनाना सीख जाओगे तो भाई लोग आपको एक चीज और प्रॉफिट हो जाएगा, आपको YouTube हैंडल का ना जो मेल नहीं है तो आपको 24 घंटे के अंदर मेल आ जाएगा। तो इसलिए कहता हूँ भाई लोग, इस वीडियो देखने के बाद आप पूरा वीडियो देखना एंड अपना कस्टम यूआरएल को बना लेना, फिर आपके पास 24 घंटे के अंदर YouTube हैंडल का मेल भी आ जाएगा। और मैं चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, वहीं पर सिखाता हूँ कैसे कस्टम यूआरएल को बनाया जाता है। तो देख सकते हैं भाई लोग, फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, ठीक है। एंड आप लोग देख सकते हैं मैंने अपने चैनल को ओपन करके रखा हुआ है। जैसे मैं अपने चैनल के अबाउट सेशन पर जाता हूँ, ध्यान देखो भाई लोग, जैसे मैं अपने यूट्यूब चैनल के अबाउट सेशन पर आता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं मोर इन्फो पास लिखा है www.youtube.com/mukeshmptech, इसी को कहते हैं कस्टम यूआरएल। और यदि आप लोग भी कस्टम यूआरएल को बनाना चाहते हो, इस वीडियो पूरा आप लोग देख लो, इस वीडियो देखने के बाद आप लोग का सारा कुछ डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। मैं 100% कहता हूँ इस वीडियो देखने के बाद आप लोग का सारा कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि भाई लोग आप लोग ना बहुत ज़्यादा परेशान हो और आप अपना कस्टम यूआरएल को नहीं बना पाते हो। पर रुको भाई, सब कुछ देखो, आपका भाई प्रॉपर तरीके से सब कुछ समझा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं भाई लोग, मैंने अपने यूट्यूब चैनल को क्रोम ब्राउजर के डेस्कटॉप साइड मोड पर मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पास ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा क्या है, चैनल यूआरएल, ठीक है। पहले क्या होता था भाई, यहाँ पर देख सकते हैं पहले यहाँ पास ऐड लिंक का ऑप्शन आता था, पहले हमको कस्टम यूआरएल बनाने का ऑप्शन आता था, पर भाई लोग अब ना कस्टम यूआरएल बनाने का ऑप्शन नहीं आएगा। यूट्यूब ने फाइनली अपडेट दे दी है। जैसे अभी आप लोग देख सकते हैं, अब कोई भी अपना यूट्यूब चैनल बनाया करेगा ना तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देखो, यूट्यूब हैंडल का जो प्रोसेस आया ना मेरे भाई लोग, स्टार्टिंग ऑन नवंबर 14, 2022, जब भी कोई यूट्यूब चैनल बनाया करेगा तो 14 नवंबर 2022 से ऑटोमेटिक उसका ना कस्टम यूआरएल बन जाया करेगा, उसको कहा जाएगा मेरे भाई लोग यूट्यूब हैंडल, ठीक है। तो आप लोग कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना तो आप लोग अपना कस्टम यूआरएल बनाओ मेरे भाई लोग, आप लोग का ना ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कोई भी टेंशन नहीं लेना है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो आज का पसंद आया, ठीक, इन्फॉर्मेशन लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग को ना ऑटोमेटिक यूट्यूब हैंडल का मेल आ जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक मेल आ जाएगा, टेंशन नहीं पालना मेरे भाई लोग, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आता है जरूर वीडियो को लाइक करना, और मेरे इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगी। तो भाई चलता हूँ यार, जय माई की।